हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए अनबॉक्सिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं सैमसंग के 1.5 टन के 3-स्टार इन्वर्टर एसी की, जो कि कन्वर्टेबल 5-in-1 टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और ये जो एसी आप देख रहे हैं, ये आता है अपने साथ लेकर 2023 की नई स्टार रेटिंग, जो कि इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के साथ है, जिसकी ISEER रेटिंग भी बहुत अच्छी है 3.96। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और चलते हैं, आपको बताते हैं इसके अंदर सैमसंग ने आपको क्या क्या नए फीचर्स दिए हैं, क्या आपको इसकी वारंटी मिल रही है और क्या इसका आपको प्राइस मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है इसका रिटेल बॉक्स और यह इसका मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ है AR18CY3ZAGD NA, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है दिसंबर 2022 की। MRP है इसका 60,990। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे आपको इसका एक्चुअल प्राइस क्या मिलेगा। और 1560 वॉट की पावर कंजप्शन के साथ आता है, 5000 वॉट की आपको इसके अंदर कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। नेट वेट आपको इसका मिल जाता है 10 किलो का और ग्रॉस वेट है 11 किलो का। तो अब आपको दिखाते हैं इसकी फर्स्ट लुक। तो ये थी इसकी फर्स्ट लुक जो कि आपने अभी देखी। सामने की तरफ से देखिए तो ये पूरा व्हाइट फिनिश के साथ आता है और इसके ऊपर आपको एक स्ट्रैप मिलती है जो कि गोल्ड कलर की है। मॉडल नंबर आपके मैंने पहले भी बताया, दोबारा आपसे फिर मेंशन करता हूँ, AR18CY3ZAGD, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, जो कि 2023 की स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग है वो भी आपकी 3.96 ISEER रेटिंग के साथ आता है। और इसकी जो एनुअल पावर कंजप्शन है वो है 977 यूनिट पर ईयर, यानी कि 977 यूनिट पूरे एक साल के अंदर इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आ जाती है। इस एसी के अंदर खास सबसे मेन हाईलाइटेड पॉइंट है इसका कन्वर्टेबल 5-in-1। आप इस तरह एसी को 5 तरीके से यूज कर सकते हो। जो इसके 5 मोड है उनकी हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपको मिल जाता है पार्टी मोड, जिसके अंदर ये नॉर्मली वैसे 1.5 टन का एसी है, बट हम इसकी कूलिंग कैपेसिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एसी आपको 120% की कूलिंग आपको देगा। रिमोट के ऊपर ही आपको कन्वर्ट करने के लिए बटन मिल जाता है, जिसके अंदर अगर आप इसको पार्टी मोड पे करते हो तो ये आपको 120% की कूलिंग कैपेसिटी देगा। सेकंड है इसके अंदर नॉर्मल मोड, जिसके अंदर आपको ये पूरी 100% की कूलिंग कैपेसिटी देता है, यानी कि एसी आपका 1.5 टन के एसी के बराबर ही काम करता है। तीसरा है इसके अंदर आपको मिल जाता है प्लीजेंट मोड, जिसके अंदर आपको 80% की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, जिसके अंदर आप एक कंफर्ट मोड के अंदर चले जाते हो और जो इसकी एनर्जी कंजप्शन है वो भी कम हो जाती है, कूलिंग कैपेसिटी भी आपको ठीक ठाक मिलती है। फोर्थ मोड है इसके अंदर आपको मिल जाता है इको मोड, जिसके अंदर इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम हो जाती है, कूलिंग भी आपकी 60% हो जाती है, यानी कि आप एनर्जी सेविंग और अच्छी कर सकते हो। लास्ट इसके अंदर मोड मिल जाता है आपको होम अलोन मोड, मारो घर के कमरे के अंदर आप अकेले हो, ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी की नीड नहीं है आपको, तो ये एसी अपनी 40% की कूलिंग कैपेसिटी के ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से आप इसके 5 मोड्स को यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से सैमसंग ने इस एसी को नाम दिया है कन्वर्टेबल 5-in-1। इसी के साथ इसके अंदर आपको ट्रिपल प्रोटेक्टर प्लस मिल जाता है, जिसकी वजह से जो इसकी ड्यूराफिन कोटिंग इसकी कॉयल के ऊपर की होती है, जिसके ऊपर टेस्ट भी किया होता है, सॉल्टी वाटर के अंदर इसको 3000 घंटे तक टेस्ट भी किया हुआ है, जिसकी वजह से कभी इसको रस्ट वगैरह नहीं लगता, इसकी लाइफ अच्छी बनी रहती है। सेकंड, इसके अंदर फ्लक्चुएशन प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से कभी कभार अगर लाइट अप डाउन होती है तो ये कभी भी आपका खराब नहीं होगा, इसकी PCB के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड है, कई बार जैसे बहुत ही ज़्यादा आसमानी बिजली, जैसे बाहर AC रखा होता है उसकी वजह से अगर 400 वोल्ट पे भी चला जाता है तब भी AC को कोई नुकसान नहीं होगा, AC आपका खराब नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको इसके ऊपर कोई स्टेबलाइजर वगैरह भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर आपको ट्रिपल प्रोटेक्टर प्लस मिल जाता है। ये है इसकी स्पेसिफिकेशन। अगर हम इसकी बात करें तो 977 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करता है। आप इसकी 50% कूलिंग कैपेसिटी भी करते हैं तो 2500 वाट की कूलिंग कैपेसिटी देता है, 100% पे यूज़ करते हैं तो 5000 वाट की कूलिंग कैपेसिटी देता है,
और ये है जहाँ पे इसकी पावर कंजप्शन है 1560 वॉट, 6.8 एम्पेयर करंट पे ये वर्क करता है। और इसके अंदर आपको जो रेफ्रिजरेटर यानी कि गैस मिलती है वो भी R32 गैस मिलती है। तो ये थी इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, और इसी के साथ वीडियो में अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। MRP मैंने आपको बताया था, डिस्काउंट प्राइस जो अभी आपको इसका मिल रहा है वो मिल रहा है 37,990 रुपये। तो कैसा लगा सैमसंग का आपको ये इन्वर्टर AC डेढ़ टन का, कमेंट्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करना चाहें, तो मिलते हैं आपसे किसी और नए प्रोडक्ट के नए डेमोन्स्ट्रेशन के साथ नेक्स्ट टाइम। के लिए ओके, टाटा बाय।